ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल रहे हो वुमेन्स वाला, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप टीम बहुत आसानी से बना लेंगे। और फेवरेट्स तो हमें पता है ऑस्ट्रेलियन टीम है, क्योंकि हेड टू हेड के 12 में से 12 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने ही जीते हैं। सो आगे हम वीडियो में सारी डिटेल्स देखेंगे इस मैच के रिगार्डिंग। जो भी लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में फैंटेसी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं मैच डिटेल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में ये जो मुकाबला है ये बे ओवल माउंट मैंगोनोई में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक क्रिकेटिंग सरफेस है जहां पे बॉलर्स को भी कुछ हेल्प है, कुछ बैटर्स को भी हेल्प है। हालांकि मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि जो मैचेस यहां पे हुए वो कैसे क्या हुए थे। अभी इंडिया का भी एक मैच यहां पे खेला गया था, सो उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, फैंटेसी टिप्स आपको दे देता हूं, यानी कि अभी तक एक एक मैच दोनों टीमें खेल चुकी पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया भी, तो उसमें इन लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, इस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस चलता हुआ आ रहा है। तो देखिए बैटिंग सेक्शन में ज़वेरिया खान ने एक मैच खेला, 12 पॉइंट दिए। मैग लेने ने एक मैच खेला, 111 पॉइंट दिए। रेचल एनिस का देखिए 166 पॉइंट ये देखे गई है, और सिद्रा अमीन 35 पॉइंट दिए। तो साफ साफ दिख रहा है पाकिस्तानी प्लेयर जो है बहुत कम पॉइंट दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत अच्छे पॉइंट दे रहे हैं। तो आपके लिए ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराउंडर्स में देख लो यार, निदार ने 80 पॉइंट दिए, दो विकेट निकाली थी 10 ओवर करा के, और बैटिंग में तो चली नहीं थी, 5 एक रन पे आउट हो गई थी, तो 80 पॉइंट दे दिए सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की वजह से। ताहिला मैकग्रा, इनकी बैटिंग नहीं आई बट इन्होंने भी दो विकेट निकाली थी तो इनको भी 62 पॉइंट मिल गए। एलिस पेरी थोड़ा सा डाउन बैट करने आई थी, रन ज्यादा बनाए नहीं थे उस मैच में, और इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग भी 5-6 ओवर कराई थी, विकेट नहीं मिली थी, तो 26 ही पॉइंट दे पाई। बिस्मा मारूफ 13 पॉइंट दे पाई थी। यहां भी देख लीजिए बॉलर्स में कौन कौन से है, बॉलर थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो डियाना बेग के देखिए 75 पॉइंट थे, 100% ड्रीम टीम में भी रही थी। जेस जॉनसन 62 पॉइंट थे, 100% ड्रीम टीम में रही। अलाना किंग के 87 पॉइंट थे, ये 3 विकेट ले गई थी लास्ट मैच में, और मेगन शर्ट्स के 29 पॉइंट थे। ठीक है, शर्ट्स को जो है ज्यादा पॉइंट्स मिले नहीं, परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इनका डाउन दिख रहा था, बट अलाना किंग बहुत अच्छा खेल रही थी, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही थी, और जॉनसन के काफी ओवर्स कटे थे, इनको 2 विकेट जरूर मिले बट 3 ही ओवर कराए थे इन्होंने, तो इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। विकेट कीपिंग में देखिए एलिस अहिली ने 48 पॉइंट दिए और एस नवाज ने 17 पॉइंट दिए थे। इसके बाद आप आगे देख लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा पिछले 2 साल में ओडीआई मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए उसमें टॉप प्लेयर्स कौन कौन से हैं, यानी इस वेन्यू पे जो प्लेयर्स ने खेला है पहले उनके बारे में परफॉर्मेंस बता रहा हूं। एलिस अहिली इसी वेन्यू पे 3 मैच खेल चुकी, 51 रन प्रति मैच के हिसाब से परफॉर्मेंस देती है, यानी 3 मैच में बनाए होंगे तकरीबन 154-156 के आसपास स्कोरिंग होगी, तो 1/3 करेंगे तो 51 रन प्रति मैच बन जाते, 51.7 रन। और रेचल हिंस का देखिए 3 मैच में 33 रन प्रति मैच का परफॉर्मेंस है, एस अमीन का 30 रन प्रति मैच का है, पेरी का 28 रन प्रति मैच है, डियाना बेग का इवन एक मैच खेला 24 रन प्रति मैच है, और फातिमा सना 17 रन प्रति मैच है, जो इन्होंने आखिरी मैच खेला था वही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहां पे ज्यादा मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेगन शर्ट्स बहुत विकेट टेकिंग प्लेयर है, मैं आपको बताऊं 3 मैच खेले 2.3 विकेट्स पर मैच का इनका स्टैट है यहां पे, यानी अगर आप 3 मैच का देखें तो तकरीबन निकलेंगे कितने 7 विकेट टोटल, 7 विकेट निकलेंगी 3 मैच में, यानी 2.3 विकेट पर मैच बनता है इस वेन्यू पे। निदार का 2 विकेट है, संधू का 2 विकेट है जो लास्ट मैच में निकाले, और जेस जॉनसन का थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है, 3 मैच में देखिए 1.3 विकेट्स पर मैच है। निकोला कैरी का भी 1.3 विकेट्स पर मैच है, इनका भी रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। फातिमा सना का 1 मैच खेला, 1 विकेट निकाला। तो ये हुई बात एक्सपीरियंस की इस वेन्यू पे। इस वेन्यू की देखिए स्टैट भी देख लो, 10 मैच खेले गए हैं, 5 बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 5 बैटिंग सेकंड ने। फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर 279 के आसपास का, जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने यहां पे 371 हाईएस्ट बनाया, कनाडा ने 210 लोएस्ट बनाया, तो हाईएस्ट स्कोर भी काफी हाई है 10 मैच के हिसाब से देखें तो। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 200 से कम एक भी बार यहां पे बना नहीं है मेंस मैचेस में, और 300 के ऊपर 3 बार बनाए, और बाकी 200 से 249 4 बार, 250 से 299 3 बार बनाए। तो मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे कि 200 से ऊपर की वेन्यू है मेंस मैचेस के लिए। अब वुमेन्स मैच में कभी-कभी दुर्घटना हो जाती है, आपको पता है पाकिस्तान की टीम पे आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो लास्ट 3 मैच से 250 से कम रन ही नहीं बनाए, आगे मैं वो चीज भी आपको दिखाऊंगा। लास्ट मैचेस देख लो इस वेन्यू पे जो खेले गए, इंडिया ने 244 बनाए, पाकिस्तान 137 पे ऑल आउट हो गई, तो वही है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैट करती है ऑस्ट्रेलिया के सामने तो मे बी पॉसिबल कि 137 या उससे भी कम रन्स पे आउट हो जाए, तो उसमें वेन्यू स्टैट काम नहीं करेगा। जब दो एक स्ट्रांग टीम और एक वीक टीम खेलती है तब अक्सर ऐसा हो जाता है। तो फिर से मैच होगा इसी वेन्यू पे, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करी तो 250 से 300 ये तो एक मिनिमम स्कोर होता है इनका, 250 तो एक मिनिमम स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट बैटिंग का। ठीक है, उसके बाद वो 250 से 300 या उससे भी ज्यादा बना सकती है, बट पाकिस्तान से उतनी उम्मीद नहीं है, वही है 125 से 150 की रेंज, उसी पे ऑल आउट सोच रहा हूं।
यहाँ पे देख लो, वेस्ट इंडियन वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स का भी एक मैच यहाँ पे खेला गया था, हाई स्कोरिंग मैच था, वो ही दोनों टीमें काफी तगड़ी थी, ठीक है। और इसके पहले फिर मेंस मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का, जो भी काफी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। तो सारे मैचेस यहाँ पे हाई स्कोरिंग होते हैं, बस टीम अच्छी होनी चाहिए। आगे ये भी देख लेना, ये पुराने मैचेस हैं, ज्यादा काम नहीं आएंगे आपके, रीसेंट फॉर्म देखना बहुत जरूरी है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पे आईसीसी में, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग वुमेन्स में फर्स्ट पे है और पाकिस्तान आठवें पे है, यानी जमीन आसमान का फर्क है। और एक टीम तो बिल्कुल वन साइडेड है, टेबल टॉपर है, और दूसरी टीम जो है वो बहुत डाउन है, बहुत वीक है। और हेड टू हेड मैच से भी अंदाजा लग ही जाएगा, 12 मैच आपस में खेले, ऑस्ट्रेलिया 12 के 12 जीती, पाकिस्तान एक भी नहीं जीती। और ये चीज इंडिया के साथ भी पाकिस्तान की थी, आई थिंक पाकिस्तान 10 मैच हो गए थे और एक भी मैच नहीं जीती थी, इंडिया सारे जीती थी, और लास्ट वाला इंडिया जीत गई, तो 11 के 11 मैच इंडिया जीती है। तो पाकिस्तान का वहां खाता ही नहीं खोला है, ऑस्ट्रेलिया से भी काफी कमजोर दिख रही है। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये टीम कितना कम स्कोर करती है। सबसे पहले तो रीसेंट फॉर्म से ज्यादा कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि किस टीम से आपने खेला उस पर डिपेंड करता है। दोनों टीमें अपने 5 में से 4-4 मैच जीत के आ रही है। अब आपको पता कहां से पड़ेगा कि टीम कितना स्कोर करेगी, यहां से पता पड़ेगा। लास्ट 5 मैचेस देख लो, पाकिस्तान टीम ने मैक्सिमम जो है 233 बनाया 5 मैच खेलने के बाद, इनका लोएस्ट जो है 137 है, हाईएस्ट 233 है। अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो वही 170-180 के आसपास का निकलेगा इसका टीम का एवरेज, ठीक है, पूरी टीम का बता रहा हूं। और फिर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखो, आखिरी 3 मैचेस से 250 इनका मिनिमम है, 259 लास्ट 3 मैचेस देख रहा हूं, ठीक है। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच इनके थोड़े से लो स्कोरिंग रहे थे, बट उसके पहले देखिए 3 मैचेस में 250, 221, 310 बहुत ज्यादा स्कोरिंग करी है ऑस्ट्रेलियन टीम ने। विकेट्स भी काफी कम खोते हैं, ये पूरे विकेट खो जाते हैं, देखिए बहुत सारे विकेट, 2 बार तो ये पूरे ऑल आउट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान टीम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हेड टू हेड स्टैट देख लो, आखिरी 5 मैचेस कैसे रहे। अब देखो सबसे फन वाली बात क्या है कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कोर देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा बनाया और पाकिस्तान ने कौन सा बनाया, कुछ नहीं देखना। ये देखो ऑस्ट्रेलिया ने 347, ज्यादा है तो 347 ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया होगा, पाकिस्तान 235, इसके बाद ज्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया होगा 123 पाकिस्तान, ज्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया होगा, लो होगा तो पाकिस्तान, ठीक है। हमें देखना ही नहीं है, टीम नेम ही नहीं देखना है। ऑस्ट्रेलिया ने 290 बनाया होगा, 131 पाकिस्तान ने बनाया होगा, 220 ऑस्ट्रेलिया ने बनाया होगा, 183 पाकिस्तान ने। तो जो भी कम स्कोर देखे वो पाकिस्तान का, और जो हाई स्कोर देखे वो ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि कोई टक्कर ही नहीं है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड है और इस मैच को भी वन साइडेड ले जाएगी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखो काफी कमजोर है, ऊपर अगर आप देखें तो सिद्रा अमीन और जवेरिया खान ओपन करेंगी। अब एवरेजेस देखोगे तो यार 16-13 का एवरेज, ये कोई एवरेज होता है ओडीआई में, बहुत कम एवरेज है। थोड़ा सा अच्छा एवरेज है बिस्मा मारूफ का और उमेमा सोहेल का, जिनको अगर आप लेना चाहे तो टीम में ले सकते हैं। रीसेंट टाइम में बिस्मा अच्छा भी कर रही थी, तो अगर चलना होगा किसी प्लेयर को पाकिस्तान की तरफ से तो मैं 2 प्लेयर्स पे हाथ रखूंगा, एक तो बिस्मा मारूफ है और दूसरी उमेमा सोहेल है टॉप ऑर्डर में, ठीक है। सिद्रा अमीन, जवेरिया खान कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, 6-6 मैच में एक आध 2 मैच में चल जाती हैं, वो भी एक आधी मैच में चल रही हैं, हेड टू हेड पूरा खराब हुआ है। तो मत ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करना है तो बिस्मा को कर सकते हैं। आखिरी 3 मैच में 25-36 तक बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 25-36 की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उमेमा ने भी ठीक ही परफॉर्म किया, लास्ट मैच में बहुत जल्दी आउट हो गई थी। हालांकि निदादार को देख लो, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट टाइम 30 भी बनाया था। हालांकि 3 मैचेस जो इन्होंने खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों में ये विकेटलेस गई थी। तो कप्तानी वाइज कप्तानी की बेस्ट चॉइस जो है निदादार नहीं होंगी, टीम में लेना सेफ्टी के लिए, बट बेस्ट चॉइस नहीं होंगी। फिर आती है आलिया रियाज, फातिमा सना, जिसमें रियाज ने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी, बैटिंग फॉर्म इनका काफी अच्छा चल रहा था, बट भैया के सामने लाइनअप जो है, बॉलिंग लाइनअप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा रन आलिया रियाज भी बना पाएंगी। फातिमा सना ले लीजिएगा, फर्स्ट बॉलिंग के केस में 10 ओवर डालेंगी, डेथ ओवर्स में एक आध 2 विकेट तो मिल ही जाएंगी फ्री फुकट में। तो फातिमा सना अच्छी बॉलर भी है, तो ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देंगी। इसके बाद बात करते हैं बचे हुए प्लेयर्स की, बचे हुए प्लेयर्स में सिद्रा नवाज है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। डियाना बेग है, 10 ओवर पूरे डालेंगी फर्स्ट बॉलिंग में, तो ले लेना, हालांकि कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी। लास्ट मैच में आपने देखा 10 ओवर कराए, 1 विकेट ले पाए, आखिरी के डेथ ओवर्स में काफी पिटाई हुई थी डियाना बेग की, ठीक है। इसके बाद नशरा संधू है, आखिरी मैच में 2 विकेट ले गई, 10 के 10 ओवर कराए थे उन्होंने, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है और हेड टू हेड भी ठीक ही है। 3 मैच में 2 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया है, इन्होंने भी दिया है। अनम आमीन ने हर बार विकेट निकाले, मैं आपको बताऊं अनम आमीन इस टाइम पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो हैं, बट इस टीम की हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। रीसेंट टाइम में अगर आप देखें 6-6 मैच उठा के दोनों टीमों के, तो पाकिस्तान टीम से अनम आमीन ने काफी विकेट निकाली हैं, तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ की, नाहिदा खान, मुनीबा अली, अनवर, एमन अनवर और गुलाम फातिमा, ठीक है। तो इनका देख लीजिए स्ट्रेंथ, गुलाम फातिमा ने भी वार्म अप मैचेस में काफी अच्छा किया था, ठीक है। बाकी प्लस तो ऐसा ही है, थोड़ा सा नाहिदा खान का परफॉर्मेंस भी अच्छा है हेड टू हेड में, देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर।
लास्ट मैच में ही रेचल हिंस ने 130 लगाया और हेड टू हेड देखेंगे तो इनका जो है 24-30-79 ये तीन मैच का परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के खिलाफ। तो रेचल हिंस से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहेगी। एलिसा हेली भी काफी अच्छा करती है, आखिरी मैच में हालांकि कोई बड़ी इनिंग तो नहीं खेली, 28 ही रन लगाए, बट किसी भी दिन बड़ी इनिंग खेल सकती है, विकेट कीपर बैट्समैन भी है। और आखिरी तीन मैच में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में 97 भी लगाया है। मैग लर्निंग को देखिए आखिरी मैच में 86 है, उसके पहले 57 है, और हेड टू हेड देखेंगे तो एक मैच में 124 भी लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखिए एवरेज कितना ज्यादा है मैग लर्निंग का, और एवरेज के हिसाब से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी दिया। इन लोग के भी एवरेज बहुत ज्यादा है, 33-37, और हमने पाकिस्तान के एवरेज देखे थे 14-16-15, तो डबल से भी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। और सामने अगर वीक टीम है तो बहुत पिटाई करेंगे ये लोग, ये तो इनका एक एवरेज स्कोर है, कितना तो ये बनाती ही है। ठीक है, तो मैग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे बैथ मूनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच में 28 लगाए, उसके पहले 73-52-125 काफी बढ़िया खेल के आ रही हैं। और हेड टू हेड भी स्टैट देखे तो लास्ट मैच में अपोजिशन टीम के खिलाफ 38 भी लगाया है। लास्ट मैच में मैग लर्निंग का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है हेड टू हेड में, और रेचल हिंस का अच्छा है। तो यार देखो चार टॉप ऑर्डर प्लेयर रहते हैं तो एक आध तो फ्लॉप हो ही जाता है, बट फिर भी कोशिश करना रेचल हिंस आपकी टीम में आ जाए, एलिसा हेली आ जाए, मैग लर्निंग आ जाए, बैथ मूनी को देख लेना, लेना के लिए थोड़ा सा डाउन बैट करने आती हैं, और फिर एलिस पेरी जाती हैं जो 4-5-6 ओवर कभी कभी बॉलिंग कर लेती हैं। लास्ट मैच में अलग इनको विकेट तो नहीं मिली, 14 ही रन बना पाई थी। सो देख लीजिएगा इनको लेना है नहीं लेना है, बट मीडियम फास्ट बॉलर हैं और कभी भी ज्यादा ओवर्स कर सकती हैं, तो विकेट टेकर ले लीजिएगा। ताहिला मैकग्राथ पूरे 10 ओवर कर रही हैं, बैटिंग आने का चांस लेस रहता है, बट विकेट टेकर है। लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली, ओडीआई में भी देखिए बहुत विकेट लेके आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बस अभी आ गई बॉलिंग करने, टी20 फॉर्मेट में भी बहुत अच्छे फॉर्म में थी। बैटिंग भी करवा लीजिए, बॉलिंग में भी अच्छा करेंगी, डेथ ओवर्स में भी टीम यूज कर रही है, तो ये प्लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लस की। इनके पास एनाबेल सदरेल ने, जैस जोनासन ने, जिनसे लास्ट मैच में ज्यादा बॉलिंग नहीं ली गई, 3 ओवर लिए बट फिर भी 2 विकेट निकाल लिए, और आखिरी ओवर भी इनको दे दिया था डेथ ओवर का, ठीक है, 3 ही ओवर में। इसके बाद लाना किंग है, लास्ट मैच में इनसे 10 ओवर लिए गए, 3 विकेट इन्होंने निकाल के दी, बहुत बढ़िया बॉलर है, ट्राई कीजिएगा अपनी टीम में। मेगन शर्ट्स हैं, ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी। डार्सी ब्राउन पावर प्ले में मैक्सिमम ओवर्स करती हैं शुरुआत में, लास्ट मैच में 5-6 ओवर के आसपास कराए गए थे, उसमें ये विकेट नहीं ले पाए, बट बहुत बढ़िया बॉलर है, छोड़िएगा मत, किसी भी दिन अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड देखो 4 विकेट ये ODI में ही निकाले हैं। तो कभी कभी प्लेयर का दिन अच्छा नहीं होता, बट ऐसे प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जरूर जितवाते हैं। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की बेंच देख लो, ग्रेस हैरिस है, निकोला कैरी है, अमांडा जेड वेलिंगटन और एशले गार्डनर है जो कि कोविड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन तीन में से अगर कोई खेलता है तो स्टैट आपके सामने, निकोला कैरी डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेती हैं। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं डेथ ओवर्स की। पाकिस्तान की तरफ से डेथ में बॉलिंग फातिमा सना, डियाना बेक करेंगी और अना मामिन सपोर्ट करेंगी। स्पिनर है अना मामिन, बट थोड़े से इनके लास्ट में कुछ ओवर्स बच जाते हैं 2-3 ओवर के आसपास, जो 40वें ओवर के बाद ये डालती हैं, तो मे बी पॉसिबल अना मामिन बॉलिंग करें। हालांकि पिछले मैच में जैस जोनासन से भी बॉलिंग कराई जा सकती थी, तो स्पिनर बहुत अच्छी है, तो इनको आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। अभी आपको बताया भी था इस टीम से हाईएस्ट विकेट टेकर है आखिरी कुछ मैच अगर आप देखें, अना मामिन बढ़िया प्लेयर, और फातिमा सना डियाना बेक भी ठीक ठाक प्लेयर है, जिसमें फातिमा सना पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। फिर आती है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की तरफ से ताहिला मैकग्रा, मेगन शर्ट, सलाना किंग, जिसमें से ताहिला मैकग्रा, मेगन शर्ट प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करती है, और ताहिला मैकग्रा जो है बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है, तो अगर बैटिंग का मौका मिला तो ये रन्स भी बनाएंगी और 10 ओवर लगभग कंफर्म है बॉलिंग की, और रिसेंट टाइम में अच्छा कर रही है, डेथ ओवर्स में विकेट लेके जा रही है। शर्ट्स को मत इग्नोर करना, अलाना किंग डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी पे, हो सकता है अलाना किंग की ओवर्स कट जाए, जैस जोनासन ज्यादा बॉलिंग कर दे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टीम की, क्या हमारी टीम बनती है स्टैट बेसिस पे। तो स्टैट बेस पे जो हमारी टीम बनती है, सबसे पहले तो हमारी टीम में आएंगी एलिसा हेली जो विकेट कीपर भी है और ओपनर भी है, कप्तानी वाइस कप्तानी की भी बहुत अच्छी पिक होंगी। फिर मैंने रेचल हिंस को लिया है जो हेली के साथ ओपन करेंगी। मैग लिन नंबर 3 पे आएंगी, नंबर 4 पे बैथ मूनी, फिर 5 पे एलिस पेरी आएंगी, फिर 6 पे ताहिला मैकग्राथ आएंगी। तो बीच में बैथ मूनी छूटी हुई है, लेना हो तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है वो मैक्सिमम बॉलर्स को कवर अप कर लूं, इस चक्कर में मैं बैथ मूनी को नहीं ले पाया। आपको लेना है बिल्कुल ले लीजिएगा। यहां पे मैंने निदा दार को ले लिया, हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट भैया कि 10 ओवर बॉलिंग करेंगी, अगर एक आध विकेट भी मिल जाता है तो टीम थोड़ी सेफ हो जाएगी। फिर मैंने अना मामिन, डियाना बेक और फातिमा सना को ले लिया, अगर फर्स्ट बॉलिंग होगी पाकिस्तान टीम की तो एटलीस्ट ये 10-10 ओवर बॉलिंग करेंगी, तो अगर एक-एक विकेट भी, दो-दो विकेट भी मिल जाते हैं तो आपके लिए कम से कम पाकिस्तानी बैटर्स से तो अच्छे पॉइंट करके देंगी, क्योंकि आप पता है बैटर्स में कोई ज्यादा अच्छे बैटर्स इनके पास अवेलेबल नहीं है। एक बिस्मा मारूफ है इनके पास, थोड़ी ठीक-ठाक प्लेयर, और एक आलिया रियाज है, बट वो पिछले मैच में एकदम से आउट हो गई, तो बिस्मा मारूफ पे फिर भी आप थोड़ा
थोड़ा ट्रस्ट कर लीजिएगा, बट बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की तो मैं उन पर तो ट्रस्ट कर नहीं पाऊंगा। तो मेरी ये टीम बन जाती फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, आप भी सिम टू सिम बना लीजिए, कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपको बताई दूंगा। और साथ ही साथ जो लोग देखिए अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लीडर बोर्ड में, वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि फैन टू प्ले एप्लीकेशन आपको दे रही है मौका एक्स्ट्रा प्राइजेस जीतने का लीडर बोर्ड में टॉप करके। लीडर बोर्ड में कैसे टॉप करेंगे, वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस होते हैं, और ट्रिनिडाद टी10 का भी लीडर बोर्ड चल रहा है उसके भी जितने मैचेस होते हैं, सारे मैचेस को खेलिए, 20-25 टीमों के साथ खेलिए, आपकी बेस्ट टीम जो होती है वो लीडर बोर्ड के लिए जाती है। और लास्ट में जब जो टूर्नामेंट खत्म होता है तो लीडर बोर्ड का प्राइज जो है, रैंक्स जो है वो घोषित होती हैं और फिर प्राइजेस आपको मिलते हैं। तो जल्दी से आइए फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेफर कोड FX लगाना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी मेंशन है, उसी से आपको बोनस मिलेगा, फ्री एंट्रीज मिलेंगी 2-4 FX यूजर्स को, और फर्स्ट डिपॉजिट पे 200% का कैश बोनस भी है। और फन अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे सारी अपडेट्स देते हैं हम, और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन भी कर रखा है। तो वीडियो को अब करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।